नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर है, समाधान यात्रा समाप्ति पर है। इसी बीच समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोतिहारी पहुंचे हैं, निरीक्षण किया है, वहां का जायजा लेते हुए दिखे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कौन क्या कहता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमारा बस एक ही मकसद है, काम तो हो ही रहा है लेकिन उसको और बेहतर तरीके से कैसे किया जाए, लोगों की क्या कुछ समस्याएं आ रही है उसको सुना जाए और कैसे उसका समाधान किया जाए, हमारा मात्र एक यही मकसद है। इसी मकसद से हम सारे जिलों में निरीक्षण कर रहे हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि 2017 में शताब्दी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, वहाँ भी लोगों से मुलाकात किए थे, हर जगह जगह गए थे, उसके बाद फिर समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। एक भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं, ऐसा कहते हुए नजर आए हैं सीएम नीतीश। इसी के साथ आगे और क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। मुख्यमंत्री बापू क्या समीक्षा हुई है? बापू जी सबको मालूम है कि हमारी यात्रा का मकसद तो यही रहा है ना, कार्यक्रमों के बारे में जानकारी लेना, विकास का जो काम है कितना हुआ, कितना वंचित है, और उसके अलावे और भी कहीं कोई भी जो जरूरत है और लोगों की इच्छा है, तो इन सब चीज़ों को जानने और समझने के लिए ही हमारी यात्रा। तो उसी सिलसिले में सब जगह जाकर के देखे हैं, बड़ा अच्छा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जब मीटिंग होती है और उसमें भी लोग बता देते हैं कि कहाँ क्या कमी है, तो हर डिपार्टमेंट के लोगों को इसके साथ जुड़ करके हम रखते हैं। यहाँ भी कुछ लोग रहते हैं और वीडियो से जुड़े हुए रहते हैं पटना से, सब सर आपके आपके बता देते हैं। और इसके बाद जो पूरा कर लेंगे और सब लोगों को बता दिया, इसके बाद एक एक चीज का कि जो करना है वो पूरा चीज को करना है, और जितना हम लोगों की घोषणाएं हैं उसके अलावा उसको अगर पूरा नहीं हुआ तो पूरा करना है, और जहाँ कहीं भी और आवश्यकता है तो उसके लिए भी काम करेंगे। सर आपकी यात्रा को मैंने हर जगह कवर किया है, क्या अलग लग रहा है मोतिहारी में? क्या आपकी यात्रा को मैंने हर जगह देखा है, कवर किया, कल मुजफ्फरपुर में मैं था, क्या अलग लगा मोतिहारी में, सबसे अलग क्या लगा यहाँ? जी, आप लोग जानते हैं ना भाई कि हम तो कोई ऐसा जगह है जहां हम इतना ज्यादा पहले घूमते नहीं रहे हैं, तो इस बार तो हम जान बूझ करके देखना चाहते थे ना, इतना काम करते रहे कुछ भी हुआ, कभी फ्लड का सिचुएशन रहता उसमें भी एक एक चीज को देखते हैं, बाकी समय ये तो हम जानते हैं कि बापू की ना है, तो इसके लिए तो जब आए थे 1917 की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद आप जानते हैं कि 2017 में हम लोगों ने जो कार्यक्रम का आयोजन करवाया थी शताब्दी, और उसके लिए कहाँ कहाँ घूमे, वो एक जगह छोड़े और जहाँ से पैदल चल करके भी चले, तो एक एक चीज को, और ऐसे भी हर चीज को तो जानते ही रहे, लेकिन अभी हमारा मकसद यही था कि जो भी काम हो रहा वो तो हो ही रहा है, लेकिन और कुछ होना चाहिए उन सब चीजों को समझना और जानना, तो यही मेरा मकसद है इस बार। मुख्यमंत्री जी, मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भूमि अधिग्रहण का मामला फंसा हुआ है, तेरे हम उस पर ध्यान नहीं देते। मेरा मकसद है इस यात्रा का कि हम काम देखें और क्या करना चाहिए उसको समझ ले, और विस्तार का काम और भूमि अधिग्रहण का सेंट्रल यूनिवर्सिटी का राजनीतिक बात मत करिए। मुख्यमंत्री जी, मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी।